जहां सदन की कार्यवाही को एक महीने तक चलाने की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर यानी कि सत्ता पक्ष ये चाहता है कि 4 दिन से ज्यादा सदन की कार्यवाही जारी रखने के पक्ष में वो नहीं दिख रहा है। तकरार बढ़ रही है और विपक्ष के तेवर अभी से तल्ख हैं। विपक्ष एक महीने की बात कर रहा है और पक्ष 4 दिन की बात कर रहा है। अब 4 दिन हो सत्र या एक महीने, होगा तो हंगामा ही। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। एक बार फिर शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष जहां सदन की कार्यवाही को एक महीने तक चलाने की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष 4 दिन से ज्यादा सदन की कार्यवाही जारी रखने के मूड में नहीं है। इसी के चलते सोमवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सहयोग की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी से शीतकालीन सत्र को सही ढंग से चलाने के लिए सहयोग मांगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विपक्ष से उसी बैठक में आग्रह किया है कि सदन की कार्यवाही में उन्हें सहयोग करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए। विपक्ष ने भी ऐसा आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र सरकार के लिए बेहद अहम है। सत्र के पहले दिन सदन में निधन पर शोक प्रस्ताव पेश होगा। सुबह 11 बजे सदन में निधन प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित हो जाएगा। 19 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:20 पर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके बाद 20 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 21 दिसंबर को चौथे दिन सदन में विधायी कार्य होगा। विपक्ष ने सत्र की समयावधि कम करने को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इकबाल मसूद ने सरकार पर जवाबदेही से भागने का आरोप लगाया तो कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। जनता का इशू उठाए जाएंगे, जनता की बातें की जाएंगी, जनता की तकलीफों को रखा जाएगा सदन के पटल पर, और जब हम नहीं कहेंगे तो फिर और कौन कहेगा। इसलिए सदन का समय बढ़ाना चाहिए और वो इस बात पे सहमत नहीं हुए बढ़ाने। ये सरकार जन सरोकार के मुद्दों से भाग रही है, किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा करने में कोई अभिरुचि नहीं है। हम बार बार यह चाहे कि सदन और दिन बढ़े, लेकिन सरकार का सिर्फ एक ही जवाब था कि समय हम यही रखेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। अब शीतकालीन सत्र में क्या होने वाला है, ये तो आने वाले शीतकालीन सत्र में ही पता चलेगा। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और फरमान अब्बास मंजुल इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। फरमान, विपक्ष एक महीने चाहता है और पक्ष 4 दिन से ज्यादा के लिए तैयार नहीं है, इसके पहले की क्या परंपरा रही है? शीतकालीन सत्र कितने दिनों का होता रहा है और पक्ष क्यों विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है? देखिए, इस सत्र से पहले की अगर हम बात करें तो इस सत्र से पहले का जो सत्र था वो काफ़ी लंबा चला था और पूरी उसमें तमाम ऐसे मुद्दे थे जनता से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की, जिनको सदन में उन पर चर्चा कराई गई थी। इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार बहुत संक्षिप्त, ये जो शीतकालीन सत्र है बहुत संक्षिप्त रखा गया है, सिर्फ 4 दिन चलेगा। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि 4 दिन पर्याप्त नहीं है। 4 दिन में जो कार्य हैं, चाहे अनुपूरक बजट की बात करें या फिर विधायी कार्यों की बात करें, ये तमाम कार्य 4 दिन में निपटाए जा सकते हैं, लेकिन जनता के लिए इसमें कोई चर्चा का इतने कम समय में नहीं हो सकती है। तो ऐसे में विपक्ष सीधे तौर पर ये कह रहा है कि कम से कम एक महीने सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए थी। लेकिन अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार इस सत्र को संक्षिप्त रखना चाहती है। विपक्ष के जो तेवर हैं, विपक्ष चाहता है कि ज्यादा समय मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार को घेरा जा सके। फरमान, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, सरकार कम दिन चाहती है, संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा है इस बारे में? कुछ उन्होंने कहा या वो बचते नजर आए हैं? देखिए, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया इस
जो शीतकालीन सत्र संक्षिप्त रखा गया है। सरकार के जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, इस सवाल के जवाब से बचते नजर आए। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का पूरा इरादा यह है कि अगर संक्षिप्त सत्र है तब भी वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में जो पिछले सत्रों में देखने को मिला वो इस सत्र में भी राहुल देखने को मिलेगा कि हालांकि सत्र संक्षिप्त है लेकिन इस संक्षिप्त सत्र में भी सरकार को पूरा घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। तमाम मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है और कर्मचारियों के मुद्दे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। लेकिन ये तय है कि इस सत्र को बढ़ाने की जो मांग की थी विपक्ष ने वो उसकी मांग पूरी नहीं हुई है और ये सरकार इस सत्र को जो शीतकालीन सत्र है बहुत संक्षिप्त रखेगी और इसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा विधायी कार्य होंगे और अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होगी। फरमान अब्बास, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर जिस पर बातचीत तो होनी चाहिए ना, विधानसभा में पक्ष विपक्ष का संवाद होना चाहिए, लेकिन इतने कम समय में तो हो नहीं सकता। आपने कभी देखा कि 4 दिन का शीतकालीन सत्र रहा हो, कभी भी आपको याद हो इतने कम समय का? देखिए, हाँ, इससे पहले भी संक्षिप्त रखे गए हैं सत्र, लेकिन सत्र को संक्षिप्त रखने के पीछे जो राहुल मकसद होता है सरकार का कि अगर विपक्ष के तेवर ज़्यादा सख्त हैं, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो ऐसे में सरकारों के पास ये एक तरह से कहा जाए कि बच निकलने का तरीका होता है कि सत्र भी हो जाए, उनके जो बजट है अनुपूरक वो भी पेश हो जाए और जो ज़रूरी काम है सरकार को चलाने के लिए वो पूरे हो जाए और चर्चा किसी तरह से विपक्ष को घेरने का मौका ना दिया जाए। तो शायद यही रणनीति हो सकती है सरकार की कि विपक्ष को मौका ना दिया जाए। यहां फरमान की बात से बहुत क्लियर है कि खुद को घेरने से बचने के लिए सब कुछ हो रहा है, इसलिए इस 4 दिन के सत्र को बुलाया गया है। शीतकालीन सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए फरमान अब्बास, आपका यूपी कैबिनेट की